हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. वी हैव टू स्टडी फ्रॉम हियर एट लास्ट. सो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन. एट लास्ट इट वॉज द डे ऑफ इम्पोर्टेंट ओकेजन. अंत में उस महत्वपूर्ण अवसर का दिन आ गया, वह समय आ गया. केटी सेड क्लोवर, केटी ने क्लोवर से कहा, पापा इज कमिंग अप इन ए फ्यू मिनट्स टू टेक यू डाउन. पापा भी कुछ ही मिनटों में ऊपर आ रहे हैं, तुम्हें नीचे ले जाएंगे, ठीक ना. एंड नाउ पापा अपीयर्ड, और फिर तुरंत ही पापा वहाँ पे आ गए, ठीक है. वेरी स्लोली दे ऑल वेंट डाउन स्टेयर्स, केटी लीनिंग ऑन पापा. केटी जो है पापा के ऊपर झुकी हुई थी और बहुत धीरे धीरे वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतर के चले गए. ओ द फ्रंट डोर इज ओपन, सेड केटी इन ए डिलाइटेड टोन, बहुत ही आनंदित यानी खुशी भरे स्वर में बोली केटी. ओ द फ्रंट डोर इज ओपन, अरे फ्रंट डोर खुला हुआ है, हाउ नाइस, कितना अच्छा लग रहा है. एंड व्हाट ए प्रेटी टेबल क्लॉथ दैट इज न्यू सिंस आई वॉज हियर, अरे टेबल क्लॉथ भी नया है, ये सब कुछ नया नया लग रहा है. इसके पहले जब मैं आई थी तो ऐसा नहीं था, ये सब कुछ अच्छा लग रहा है. बेटा कुछ अगल बगल की आवाज़ें डिस्टर्ब करेंगी, मैं क्या करूँ, कहाँ पर जाऊँ हूँ, तो प्लीज़ डो नॉट माइंड इट, आई एम सॉरी फॉर देट बेटा. चले चलते हैं, बगल में कुछ बच्चे तो नहीं, इधर से अगल बगल तमाम आवाज़ें आती रहती हैं, बहुत परेशानी होती है बेटा. चलो चले चलते हैं आगे. डो नॉट स्टॉप टू लुक एट डैड, क्राइड फिल हु सेम्ड इन ए ग्रेट फ्यूरी अबाउट समथिंग. वो फिल जो कि कुछ करने की जल्दबाजी में था, वो बोला डो नॉट स्टॉप टू लुक एट डैड, उसे देखने से मत रोको भाई, उसे देखने तो. इट इज नॉट न्यू, देखो ये नया नहीं है. इट हैज बीन देयर एवर एंड एवर सो लॉन्ग, ये तो पहले से था, जैसा था वैसे ही है. कम इनटू द पार्लर इंस्टेंट, चलो हम लोग जो है पार्लर रूम में चले हैं. इन्हें पार्लर में मतलब बेटा द सिटिंग रूम, ठीक ना. एक मिनट, चलो बेटा. यस सेट पापा, पापा ने कहा हाँ चलो पार्लर में चलते हैं, नहीं बैठने वाले रूम में चलते हैं, ठीक ना. डिनर इज नॉट क्वाइट रेडी येट, अभी तक डिनर तो तैयार नहीं हुआ है. यू विल हैव टाइम टू रेस्ट ए लिटिल आफ्टर यू वॉक डाउन स्टेयर्स, और अभी तक तो चूंकि डिनर तैयार नहीं हुआ है तो यू विल हैव टाइम टू रेस्ट ए लिटिल, तुम्हारे पास अभी समय है, थोड़ा आराम कर लो. क्यों? क्योंकि आफ्टर यू वॉक डाउन स्टेयर्स, क्योंकि तुम अभी सीढ़ियों से नीचे उतर के आई हो. You have borne it admirably, Katie. Are you very tired? और उन्होंने एडमायर करते हुए कहा कि ये तुमने काम किया है केटी, तुम ऊपर से नीचे चल के आई हो, है तो आर यू टायर्ड, आर यू वेरी टायर्ड, क्या तुम थक गई हो ना, थक गई होगी. नॉट ए बिट, रिप्लाइड केटी. केटी कह रहे नहीं पापा, नॉट ए बिट, बिल्कुल नहीं. चीयरफुली वो खुशी से कहती नॉट ए बिट पापा, आई कुड डू इट अलोन आई थिंक. और कह रही है केटी पापा सीढ़ियों से तो मैं खुद आ सकती थी, आई कुड डू इट अलोन, हाँ यानी मैं अकेले भी आ सकती थी. आई थिंक मैं समझती हूँ. ओ द बुक केस डोर हैज बीन मेंडेड, अरे बुक केस का डोर भी जो है मतलब मेंडेड वो मरम्मत किया गया है. बहुत चिल्ला रहा बेटा, एक बच्चा आवाज़ आ रही होगी, सॉरी बेटा. हाउ नाइस इट लुक्स, अरे कितना अच्छा लग रहा है, ये केटी कह रही बेटा, ठीक है ना. Do not wait, oh, do not wait, repeated Phil in an agony of impatience. यानी कि वो फिल जो कि अब जो है धैर्य नहीं कर पा रहा था, वो संयम नहीं बरत पा रहा था, बहुत जल्दबाजी में बोल रहा, कह रहा कि डो नॉट वेट, ओ डो नॉट वेट, नहीं नहीं हमको प्रतीक्षा नहीं करनी है, हमें आगे चलना है. सो दे मूव्ड ऑन, इसलिए वो लोग आगे बढ़े. पापा ओपन द पार्लर डोर, पापा ने उस कमरे का सिटिंग रूम का दरवाज़ा खोला. केटी टुक वन स्टेप इनटू द रूम, केटी ने जैसे एक कदम कमरे में रखा, देन स्टॉप्ड, फिर रुक गई. द कलर फ्लैश्ड ओवर द हर फेस, सॉरी द कलर फ्लैश्ड ओवर हर फेस, उसके चेहरे का रंग बदल गया. उसके चेहरे का रंग कुछ बदला. एंड सी हेल्ड अ डोर नॉब, डोर नॉब टू सपोर्ट हर सेल्फ, और तुरंत उसने क्या किया,
दरवाजे के डोर नॉब को यानी हैंडल को उसने जो है पकड़ लिया सपोर्ट के लिए। मतलब सी वॉज जस्ट नाउ अबाउट फेंटिंग, जैसे वो मूर्छित होने वाली हो, क्योंकि वो सी वॉज सो वीक, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी ना। वॉट वॉज इट डैट सी सॉ, उसने ऐसी कौन सी चीज़ देख ली भाई, ऐसा उसने क्यों किया। अब जो भी हो, उसने क्यों हैंडल पकड़ा, उसने क्या देखा, चले चलते हैं। नॉट मियरली द रूम इट्सेल्फ, कमरा जो है अपने आप में इतना अच्छा लग रहा था, विद इट्स फ्रेश कर्टेंस, उसमें जो है नए नए पर्दे लगे थे, एंड वॉसेज ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्तों के जो फूल थे वो नए थे, ताजे थे। नॉट इवन द वाइट ब्यूटीफुल विंडो, हाँ यानी सुंदर वो खिड़कियाँ भी खुली हुई थी, विच हैड बीन कट टूवर्ड्स द सन और द इन्वाइटिंग लिटिल काउच, यानी जिनसे सूर्य की किरणें आती थी वो खिड़की अच्छी लग रही थी, और द इन्वाइटिंग लिटिल काउच, वो जो है जो छोटा सा काउच था, सोफ़ा था, वो भी जो है मतलब अच्छा लग रहा था, आमंत्रित कर रहा था कि हाँ कोई बैठे उस पर। एंड टेबल विच स्टूड डियर, और जो टेबल वहाँ पे रखा हुआ था इविडेंटली फॉर, निश्चित रूप से उसी के लिए रखा गया था ताकि वो बैठे वहाँ पे और उसको जो है सर्व किया जाए कुछ, ठीक ना। नो देयर वॉज समथिंग एल्स, नहीं वहाँ पे कुछ और भी था, कुछ न कुछ था। द सोफ़ा वॉज पुल्ड आउट, सोफे को खींचा गया, एंड डियर अपॉन इट सपोर्टेड बाई पिलो, और तकिया के सहारे उसको जो है मतलब सहारा दिया गया। ले लेटो, उसे कहा गया कि लेट जाओ। हैं कजिन हेलेन, हर ब्राइट आईज वेयर टर्न्ड टूवर्ड्स द डोर, कजिन हेलेन, अरे हेलेन, और यह कहते हुए जो है कैटी की आंखें, हर ब्राइट आईज वेयर टर्न्ड टूवर्ड्स द डोर, कैटी की आंखें दरवाजे की तरफ गई, अरे हेलेन। व्हेन सी सॉ कैटी, और जैसे ही हेलेन ने कैटी को देखा, सी हेल्ड आउट हर आर्म्स, उसने अपनी बाहें आगे बढ़ा दी उसे गले लगाने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो हागर, चलें चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज। क्लोवर एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स दैट सी नेवर वॉज सो प्रिटेंट इन हर लाइफ, क्लोवर ने जो है इस बात को स्वीकार किया कि इसके पहले अपने जीवन में वो कभी इतना नहीं डरी थी एज एट दिस मोमेंट, जितना इस पल वो डर गई थी इतना वो अपने जीवन में कभी डरी नहीं थी। केटी फॉरगेटिंग हर वीकनेस, और उस समय केटी अपनी कमजोरी को भूल गई थी। लेट गो ऑफ पापास आर्म, वो पापा के पास गई, उन्हें आलिंगन किया, एंड एब्सोल्युटली रैन टुवर्ड्स द सोफा, इसके बाद भी सोफा की तरफ गई, ठीक ना। ओ कजिन हेलेन, अरे हेलेन, अपनी कजिन को कहते ओ हेलेन, डियर डियर कजिन हेलेन, शी क्राइड, वो खुशी से कहती अरे डियर कजिन। देन सी टम्बल डाउन बाई द सोफा संभव, इसका बाद जो है वो किसी तरह से सोफे पे गई। द टू पेयर्स ऑफ आर्म्स एंड टू फेसेस मेट, एंड फॉर ए मोमेंट और टू नॉट ए वर्ड मोर वॉज हर्ड फ्रॉम एनीबडी, इसके बाद क्या हुआ, दो हाथ आगे बढ़े, दो चेहरे सामने मिले, नहीं दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया है, और एक दूसरे के चेहरे से चेहरा सटाया, और वो एक दूसरे को हक करके नहीं, और कोई कुछ बोला नहीं, ऐसा वो मोमेंट था केटी और उसकी कजिन हेलेन, ठीक है। अ परफेक्ट हबब ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस बिगेन, उसके बाद क्या हुआ, जब दोनों हक करनी तो उनके बीच जो प्रश्नों की झड़ी लगी, एंड एक्सप्लेनेशंस बिगेन, और दोनों की बातें आश्चर्यचकित और क्वेश्चनिंग वाली स्टार्ट रही, ठीक ना। कजिन हेलेन्स गोइंग टू स्टे 3 weeks दिस टाइम, इज नॉट दैट नाइस, लोगों ने कहा केटी से कि देखो तुम्हारी कजिन हेलेन जो है ना यहाँ पे 3 सप्ताह तक रुकने वाली है, इज़ नॉट डैट नाइस, क्या ये अच्छी बात नहीं है, आस्क्ड एलसी, एलसी ने पूछा। वाइल क्लोवर एनेक्सेसली क्वेश्चन, और तभी क्लोवर ने उत्सुकता से प्रश्न किया, आर यू श्योर दैट यू डिड नॉट सस्पेक्ट, क्या तुम निश्चित रूप से कर रहे हो, कोई शंका वाली बात तो नहीं है। नॉट वन बिट, बिल्कुल नहीं। नॉट द लिस्ट टेनी विनी माइल, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, मैं थोड़े दिन के लिए नहीं आई हूँ। नो इंडेट नॉट द लिस्ट, सच बात है मैं थोड़े दिन के लिए नहीं आई हूँ। हाउ कुड आई सस्पेक्ट एनी थिंग सो परफेक्टली डिलाइटफुल, मैं किसी बात पर शंका वाला कैसे कर सकती हूँ, जबकि सब कुछ जो है परफेक्टली डिलाइटफुल किया गया है, यहाँ पे मैनेज किया गया, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी भाई, मैं क्यों शंका करूँगी। एंड सेइंग दिस केटी गेव कजिन हेलेन ए रैप्चरस किस, हाँ
और यह कहते हुए कैटी ने जो है हेलेन को एक किस किया। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा। सच ए शॉर्ट डे एज दैट सीम्ड, और वह दिन उनको इतना छोटा लग रहा था। देयर वॉज सो मच टू सी, बहुत कुछ देखने को था। टू आस्क अबाउट, तमाम बातें करने को थी। टू टॉक ओवर दैट आवर्स, कई घंटों तक बातें करने को रही। फ्लू एंड इवनिंग ड्रॉप्ड अपॉन देम ऑल, लेकिन बात करते करते ही शाम हो गई है। एंड ऑल लाइक अनदर ग्रेट सरप्राइज, और ये सारा का सारा एक दूसरे को यानी सभी के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। जो बातें वो लोग कर रहे थे, वो दिन बीत गया, कुछ पता नहीं चला, शाम हो गई, सब लोग जो है आश्चर्यचकित होकर के बातें करते रहे। कजिन हेलेन वॉज परहैप्स द हैप्पीएस्ट ऑफ द पार्टी, और उस दिन जो पार्टी मनाई जा रही थी उसमें जो कजिन हेलेन थी शायद वो सबसे ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रही थी। बिसाइड्स द प्लेजर ऑफ नोविंग कैटी टू बी ऑलमोस्ट वेल अगेन, ये सोच करके हैं कि कैटी जो है आज अच्छी हो गई। सी हैड द एडिशनल एन्जॉयमेंट ऑफ सीइंग फॉर हरसेल्फ, उसे देख करके उसको बहुत आनंद आया। हाउ मैनी चेंजेस फॉर द बेटर हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग द 4 years, इन 4 सालों में यहाँ पे कितना परिवर्तन हो गया है। एमंग द लिटिल कजिन्स सी लव सो मच, इन कजिन्स के बीच में भी, इनके व्यवहारों में भी, जिन्हें वो बहुत प्रेम करती है। इन 4 सालों यानी 4 साल पहले जब मैं आई थी तो वहाँ पे कुछ और था, लेकिन अब जो है सब कुछ बदल गया है, ये बात जो है हेलेन सोच रही है। चलो बेटा नेक्स्ट। डियर कैटी, सी सेट ए डे और टू आफ्टर हर अराइवल, और अपने पहुंचने के 1 या 2 दिन के बाद वो बोली, डियर कैटी दिस विजिट इज ए ग्रेट प्लेजर टू मी, इस बात का आना मुझे बहुत ज़्यादा जो है आनंददायक रहा। इस बात जो मैं हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज सच ए कॉन्ट्रास्ट, या उसके ठीक उसके मुकाबले ये बहुत अच्छा है। इट इज सच ए कॉन्ट्रास्ट टू द लास्ट आई मेट, यानी पिछली बार जब मैं आई थी तो उसके मुकाबले में इस बार का आना, उसके तुलना में इस बार का आना बहुत अच्छा लग रहा है। वेन यू वेट टू सी, जब तुम इतनी बीमार थी, यू वे सो सीक, तुम इतनी बीमार थी, एंड एवरीबडी सो सेट, और हर कोई तुम्हारे इतना दुखी था। हेलेन कह रही है पिछली बार जब मैं आई थी तुम इतनी बीमार थी, हर कोई तुम्हारे इतना दुखी था, और इस बार सब लोग खुश हैं। हैं, डो यू रिमेंबर, क्या आपको ये बात याद है कैटी? कैटी करी, इंडेड आई डो, सच में मुझे याद है, इंडेड आई डो, मुझे याद है। एंड हाउ गुड यू वेयर एंड हाउ यू हेल्प मी, तुमने मेरे लिए कितना काम किया, कितनी मदद की। हैं, आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं उस बात को कभी भूल नहीं सकती हूँ। वो हेलेन से क्या नाम है इसका, हाँ कैटी कह रही है अपनी उस कजिन हेलेन से, क्या नाम है बेटा हेलेन, हाँ हेलेन, ठीक चले आगे। आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, बट वट आई कुड डू वॉज वेरी लिटिल, लेकिन मैं क्या कर सकती, जो भी की मैंने बहुत कम किया। क्या किया मैंने? यू हैव बीन लर्निंग बाई योर सेल्फ ऑल दिस टाइम, और इस बार तो तुमने जो कुछ किया खुद अपने आप किया भाई। एंड कैटी डार्लिंग, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ प्लीज्ड आई एम टू सी हाउ ब्रेवली यू हैव वर्क योर वे अप, डार्लिंग कैटी, और मैं इस बात को तुमको बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें देख करके। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ प्लीज्ड आई एम, मैं कितनी खुश हूँ टू सी यह देख करके, हाउ ब्रेवली यू हैव वर्कड योर वे अप, कि तुमने कितनी बहादुरी से सब काम किया अपने को जो है रिकवर करने के लिए। आई कैन डिसाइड, इट मीन्स आई कैन अंडरस्टैंड, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। इट इन एवरीथिंग, सब कुछ मैं समझ सकती हूँ। इन पापा, पापा ने जो कुछ किया तुम्हारे लिए, इन द चिल्ड्रेन, जो बच्चों ने किया, इन योर सेल्फ, तुमने अपने आप में जो कुछ किया। यू हैव वन द प्लेस ऑफ बींग ऑफ एवरीबडी, है तुमने तो हर किसी को जीत लिया है अपने व्यवहार से, ठीक ना। द हर्ट ऑफ द हाउस, तुम तो इस घर का हर्ट बन गई हो भाई, तो सभी लोग तुमको इस घर का हर्ट समझ रहे हैं, है बहुत अच्छी बात है कि एवरीवन लाइक यू, एवरीवन लाइक्स यू, हर कोई तुम्हें जो है लाइक करता है, इस बात से मुझे खुशी है। यू आर द सेम एज द हर्ट ऑफ द हाउस। ओ कजिन हेलेन, हेलेन की बात सुनकर कैटी करी, ओ कजिन हेलेन डू नॉट सेट,
अरे कजिन हेलेन ऐसा मत कहो ना, कैटी हर आईज फिलिंग विद सडन टीयर्स। यह कहते हुए कैटी की आंखों में अचानक आंसू आ गए। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। यू कैन नॉट थिंक, आप समझ नहीं सकती हैं हाउ बैडली आई समटाइम्स हैव बिहेव्ड, कि मैंने कभी कभी कितना बुरा बिहेव किया। ये बात सोच के मुझे तकलीफ होती है। आई एम नॉट सो ब्रेव, मैं इतना बहादुर इतनी बहादुर नहीं हूँ। इट इज टू डिलाइटफुल, ये सच बात है कि बहुत अच्छी खुशी वाली बात है टू हैव यू प्रेज मी, कि तुम मेरी प्रशंसा कर रही हो। बात अच्छी है, मैं समझ रही हूँ तुम मेरी प्रशंसा कर रही हो। बट यू मस्ट नॉट, लेकिन तुम्हें मेरी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। आई डो नॉट डिजर्व इट, क्योंकि मैं उस प्रशंसा के काबिल हूँ ही नहीं। ऑल्दो सी सेड, हालांकि कैटी ने ये बातें कही, लेकिन सी डिड नॉट डिजर्व इट, बट कैटी डिड। उसने कैटी ने कही थी कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, प्रशंसा के काबिल नहीं हूँ, बट कैटी डिड। लेकिन कैटी वॉज द डिजर्व ऑफ एडमायर, लेकिन कैटी जो प्रशंसा के योग्य थी, समझे ना। सी वॉज रियली अ ब्रेव एंड चीयरफुल गर्ल, वो बहादुर लड़की थी और बहुत ही हंसमुख लड़की थी। सो बेटा, नाउ योर लेसन हैज बीन फिनिश्ड एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। इट्स ओके, थैंक यू।